नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस दिन मानसून के बिहार में प्रवेश की संभावना। 1 जून से होंगे ये बदलाव जो आपकी जेब पर डालेंगे सीधा असर। चुनाव खत्म होते ही सभी सरकारी कामकाजों को पटरी पर लाने की चल रही तैयारी। शिक्षा विभाग ने 1 से 12 तक के बच्चों को लेकर दिए ये निर्देश। हीरा मंडी में सफल प्रदर्शन के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पुराने दिनों को किया याद। पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने बताई अपनी प्लेइंग 11। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। असम में जूनियर इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती। असम सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर के रिक्त पदों पर भर्ती आई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 जून है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट apsc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा संस्थान से मैकेनिकल ब्रांच में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज है लोकसभा के आखिरी चरण का मतदान। आज लोकसभा के आखिरी चरण का चुनाव बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर होने वाले हैं। इन 8 सीटों में पाटलिपुत्र, पटना साहिब, नालंदा, जहानाबाद, आरा, बक्सर, काराकाट और सासाराम शामिल है। इन सभी सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सुरक्षा सख्त रखी गई है। करीब 1 लाख सुरक्षा कर्मी और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इन सभी 8 सीटों पर कुल 134 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें मिसा भारती, रविशंकर प्रसाद, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह समेत और भी कई जाने माने लोग शामिल हैं। इस चरण में 1,62,04,594 मतदाता मतदान करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम के 6 बजे तक चलेगा। हालांकि इन सभी 8 सीटों पर 58 बूथ ऐसे हैं जहां शाम के 4 बजे तक ही मतदान देखने को मिलेगा। इस दिन मानसून के बिहार में प्रवेश की संभावना। अधिकतर लोग गर्मी से परेशान हैं, ऐसे में सभी लोग बारिश की आस लगा रहे हैं। अब इसी बीच बिहार में मानसून आने की मौसम विभाग ने तारीख बता दी है। समय से 2 दिन पहले गुरुवार को दक्षिणी पश्चिम मानसून केरल और पूर्वोत्तर भारत में पहुंच चुका है। ऐसे में बिहार में भी तय समय पर मानसून आने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसे में बिहार में इसका आगमन 15 जून या उससे पहले हो सकता है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे कहलगांव द्वीप के बारे में। कहने को तो भागलपुर में कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, लेकिन इस जिले के गांव कहलगांव में गंगा और कोसी नदियों का संगम है। वहीं पर पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करने वाले 3 प्राकृतिक द्वीप हैं, जिनके सैलानियों की भीड़, शानदार नज़ारे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आपने गंगा नदी के कई प्रसिद्ध घाटों में नौका विहार देखा या सुना होगा, चाहे वो प्रयागराज का संगम हो या काशी बनारस में गंगा घाट या पहाड़ी गलियारों से निकलकर समतल भूमि में प्रवेश करने वाली गंगा का अद्भुत दृश्य हरिद्वार हो। कुछ जगहों पर बोटिंग की जाती है, लेकिन भागलपुर कहलगांव में वहाँ मौजूद टापू गंगा नदी में बोटिंग का मजा 2 गुना कर देता है। आप यहां पर अपने परिवार के साथ घूमने आ सकते हैं। ये स्थान पर्यटन के लिहाज से काफी अच्छा है। मूंग की खेती के लिए सरकार सब्सिडी पर दे रही बीज। गर्मियों के मौसम में सरकार द्वारा किसानों को अनुदानित दर पर मूंग का बीज उपलब्ध कराने के साथ ही 2-2.5 महीने में तैयार होने वाले फसल को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत फसल अवशेष का प्रबंधन करते हुए 0 टीलेज तकनीक से मूंग की खेती का प्रशिक्षण हरेक जिले के चयनित 5-5 गाँवों यानी की कुल 180 गाँवों में किया जा रहा है। बता दें कि मूंग की खेती से किसान कम लागत में अधिक लाभ कमा सकते हैं और इसकी फसल अपने वृद्धि काल में सबसे ज्यादा गर्मी सहन कर सकती है। चुनाव खत्म होते ही सभी सरकारी कामकाज को पटरी पर लाने की चल रही तैयारी। आज आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। 4 जून को चुनावी रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। चुनाव खत्म होते ही सभी सरकारी विभागों के कामकाज को पटरी पर ले जाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। कई विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को भी अभी हाल में ही सरकार द्वारा एक पत्र भेजा गया है। इस पत्र में रोजगार और नौकरी से जुड़ी जानकारियां विभागों से तलब की गई हैं। इस पत्र के जरिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने विभागों के तहत बीते कुछ वर्षों में जो नौकरी और रोजगार दिए गए हैं, इसका विवरण उपलब्ध करवाएं।
आज आखिरी चरण के चुनाव को लेकर पटना में केवल इन्हीं लोगों को मिलेगी एंट्री। आज बिहार में आखिरी चरण का मतदान होने वाला है। आज बिहार की 8 संसदीय सीटों पर वोटिंग होंगे और 4 जून को सभी प्रत्याशियों का रिजल्ट सामने आ जाएगा। चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आज पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में भी चुनाव होंगे। चुनाव को लेकर जिले की सीमा को सील कर दिया गया है। जिले की सीमा को सील करने के साथ ही बॉर्डर पर 23 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। साथ ही आने वाले वाहनों की जाँच की जा रही है। पटना के महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु से ऊपर मतदान को लेकर सख्त पहरेदारी की जा रही है। पटना की सीमा के अंदर अनावश्यक और संदिग्ध लोगों की एंट्री नहीं होगी। मिली जानकारी के मुताबिक केवल उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जो किसी जरूरी काम से पटना आए हैं या उन्हें वोट देना है। जो लोग मतदान देने आएंगे उन्हें वोटर आईडी दिखाना होगा। शिक्षा विभाग ने पहले से 12वीं तक के बच्चों को लेकर दिए ये निर्देश। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के पहले से 12वीं तक के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। इस निर्देश के तहत सभी स्टूडेंट्स के प्रोफाइल का ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर इस शैक्षणिक सत्र में डाटा एंट्री होगी। डेटा एंट्री का ये कार्य 15 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोफाइल के डेटा एंट्री का कार्य पूरा करने का निर्देश शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को दिया है। शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक वैसे विद्यालय जहां आईसीटी लैब मौजूद है वहां के बच्चों के स्टूडेंट प्रोफाइल की डेटा एंट्री संबंधित विद्यालय में ही होगी। 1 जून से होंगे ये बदलाव जो आपकी जेब पर डालेंगे सीधा असर। हर महीने की 1 तारीख से कई वित्तीय नियम में बदलाव किए जाते हैं। ये बदलाव ऐसे होते हैं जिनका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। इसमें सबसे पहले है एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव। आपको बता दें कि हर महीने की 1 तारीख को घरेलू गैस सिलेंडर और पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में बदलाव होते हैं। इसके अलावा 1 जून से नए परिवहन नियम लागू होने जा रहे हैं। इस नए नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आरटीओ में टेस्ट देना अनिवार्य नहीं रहेगा। आरटीओ के चक्कर लगाने की बजाय आप सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों को भी पहले से काफी सख्त किया जा रहा है। यदि 18 साल से कम उम्र का बच्चा ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता है तो 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बिहार के जिले के बंजर और बेकार पड़ी जमीन को उपजाऊ बनाने की है तैयारी। कृषि विभाग कटिहार जिले में बेकार पड़ी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की तैयारी कर रहा है। बिहार सरकार के कृषि विभाग की आंकड़ों में पता चला है कि जिले का भौगोलिक क्षेत्र 291,349 हेक्टेयर में है। इसमें कृषि योग्य भूमि 134,032 हेक्टेयर है। वहीं बेकार और बंजर पड़ी जमीन 22,289 हेक्टेयर में है। बंजर और बेकार पड़ी जमीन को उपजाऊ बनाई जाएगी, फिर इसमें खस घास की खेती की जाएगी। खस घास की खेती को लेकर प्रस्ताव विभाग को भेजने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय औषधि सघन पौधा संस्थान केंद्र लखनऊ में इसकी बेहतर खेती करने को लेकर एक टीम को भेजा जाएगा। हीरा मंडी में सफल प्रदर्शन के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पुराने दिनों को किया याद। हीरा मंडी में शानदार प्रदर्शन के लिए सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों खूब चर्चा में है। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा है कि मैं संजय लीला भंसाली सर की आभारी हूं कि उन्होंने मुझे दर्शकों को ऐसे दिखाया जैसे पहले मुझे कभी देखा नहीं। एचटी शो टॉपर्स के साथ सोनाक्षी ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने फैशन के साथ अपने रिश्ते और महत्वाकांक्षी फैशन डिजाइनर के स्टारडम तक के सफर के बारे में बताया। अपने पुराने दिनों को उन्होंने याद करते हुए कहा कि जब मैं स्कूल में थी तब मेरी मां ने मेरा दिल लेकर देखो फिल्म प्रोड्यूस किया था। गर्मी के दिनों में ये पेय पदार्थ पेट को ठंडक देने के साथ ही देंगे भरपूर ऊर्जा। बिहार में हर जगह झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। ऐसे में आज हम आपको ऐसे तरल पेय पदार्थ के बारे में बताएंगे जो ना केवल इन गर्मियों में आपके पेट को ठंडा रखेंगे बल्कि आपको ऊर्जा से भी भरपूर रखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है सत्तू। गर्मियों के मौसम में सत्तू सबसे पौष्टिक पेय पदार्थ में से एक होता है। इसके बाद आता है गन्ने का जूस। गन्ने का जूस हमारे शरीर को गर्मियों के मौसम में तरोताजा रखता है। इसके बाद आता है नारियल पानी जिसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। गर्मियों के मौसम में आम पन्ना भी किसी वरदान से कम नहीं होता है। ये हमें लू से बचाने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा आप बेल का जूस भी पी सकते हैं। ये तरल पेय पदार्थ गर्मी में हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, साथ ही आसानी से सस्ते दामों में भी मिल जाते हैं। हीट स्ट्रोक से हो रहे मौतों पर सीएम नीतीश चिंतित। हीट स्ट्रोक की वजह से बिहार में कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी चिंता बढ़ गई है।
भीषण गर्मी और भयंकर लू के प्रकोप से राज्य में उत्पन्न आपदा की स्थिति के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों से बात की है और सभी जिलों के संवेदनशील स्थानों पर पीने के पानी के टैंकर पर्याप्त संख्या में रखने के निर्देश दिए हैं। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित अनुमंडल एवं सदर अस्पतालों में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से तैयार रखने के भी आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही गांव हो या शहर, सभी जगहों पर निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के बात कही गई है। आंसर सीट की स्क्रूटनी के लिए ऐसे करे आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक विशेष एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 के परीक्षार्थियों का रिजल्ट 29 मई को जारी किया गया था। जारी किए गए रिजल्ट से जो छात्र या छात्रा किसी एक विषय या सभी विषय में प्राप्त अंक से संतुष्ट नहीं है वो इन विषयों के लिए आंसर सीट की स्क्रूटनी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 2 जून से 6 जून तक वेबसाइट http://biharboardonline.bihar.gov.in पर या https://www.bsebscrutiny.com/login पर जाकर कर सकते हैं। लू को लेकर इन जिलों में जारी हुआ अलर्ट। बिहार में अधिक गर्मी को लेकर सभी परेशान हैं। हीट स्ट्रोक के कारण कई लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। मौसम विभाग द्वारा आज रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और बक्सर में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 38 से 44 डिग्री तक और न्यूनतम तापमान 28 से 32 डिग्री तक रहने की संभावना जताई गई है। मतदान से पहले पटना से 56 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले शुक्रवार को पटना में पुलिस ने 56 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को चकमा देने के इरादे से कार के इंजन और बॉडी के नीचे शराब को छिपाकर रखा गया था। मद्य निषेध विभाग और पंचमहला पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से शराब लाई जा रही है और इसकी डिलीवरी समस्तीपुर में होनी है। जानकारी मिलते ही एक टीम का गठन कर कार्रवाई करते हुए कार को रोका गया और तलाशी ली गई, जिसके बाद 56 लीटर शराब बरामद हुए हैं। बता दें कि गिरफ्तार तस्करों की पहचान समस्तीपुर निवासी अमरनाथ शाह और अनुज कुमार के तौर पर हुई है। बैंक की शाखा से 3 किलोग्राम जमा सोना गायब, ऐसे हुआ खुलासा। बिहार के शेखपुरा के दल्लू चौक पर स्थित और संचालित इलाहाबाद बैंक की शाखा से नाटकीय रूप से 3 किलो सोना के जेवर की गायब होने की खबर सामने आई है। ये जेवर कई स्थानीय लोगों द्वारा कर्ज लेने के लिए बैंक में गिरवी रखा गया था। मामला का खुलासा तब हुआ जब लोगों ने कर्ज की राशि जमा करके अपने जेवर बैंक से मांगे तो बैंक से जेवर गायब मिले। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस के साथ बैंक की आंतरिक जांच भी शुरू कर दी गई है। पुलिस द्वारा जांच के बाद बैंक के शाखा के प्रबंधक सहित कई कर्मियों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही गायब किए गए सोना में कुछ बरामद भी कर लिया गया है। पटना में जीरो वेस्ट इलेक्शन के लिए 1547 मतदान केंद्र तैयार। पटना के एन कॉलेज परिसर को मतदान केंद्र के लिए विशेष रूप से चकाचक तैयार किया गया है। मतदान केंद्र पर वेस्ट मटेरियल से जीरो वेस्ट इलेक्शन का सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और साथ ही एन कॉलेज में जीरो वेस्ट इलेक्शन के लिए कचरा प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाए गए हैं, जिससे कि मतदान केंद्र पर भी जो कचरा उत्पन्न हो उसकी प्रोसेसिंग की जा सके। केंद्र पर स्वच्छगिनी महिलाओं के द्वारा पिंक टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए निगम क्षेत्र के 75 वार्ड में पड़ने वाले 1547 केंद्रों पर सूखे और गीले कचरे के लिए डस्टबिन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। एसटीएफ मुठभेड़ में कुख्यात आरोपी ढेर, कई जिलों में था आतंक। बिहार के मधेपुरा से एक इनामी कुख्यात अपराधी के मारे जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को बिहार एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में कई मामलों में आरोपी कुख्यात मारा गया है। जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा आरोपी पर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। मृतक कुख्यात अपराधी का नाम प्रमोद यादव बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आरोपी पर जान लेने, डकैती, लूट और रंगदारी समेत 30 संगीन मामले दर्ज हैं। तो साथ ही प्रमोद यादव का आतंक बिहार के कटिहार, मधेपुरा और पूर्णिया जिले में कायम था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजभवन पर ईवीएम हैकर्स को पनाह देने का आरोप लगाने वाले राजद नेता पर एफआईआर दर्ज। राजद नेता नितेश कार्तिकेयन, जिन्होंने बिहार के राजभवन पर हैकर्स को पनाह देने का आरोप लगाया था, उनके खिलाफ ईओयू ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
लालू प्रसाद यादव के बड़े समर्थक माने जाने वाले नितेश के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश खुद राज्यपाल द्वारा दिया गया है, जिसके बाद मामले में नितेश के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आईटी अधिनियम और संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही ईओयू द्वारा जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। बता दें कि स्वयं को लालू वादी बताने वाले नितेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बिहार के राजभवन पर यह आरोप लगाया था कि भारत के गृह मंत्री के निर्देश पर बिहार के राजभवन में 2 EVM हैकर को ठहराया गया है। ईओयू के अनुसार राज्यपाल के प्रधान सचिव आरएल जोंगतू की ओर से इसे लेकर शिकायत किया गया था कि सोशल मीडिया पर राजभवन को लेकर पोस्ट किया गया है। 2000 के नोट के चलन से बाहर होने के बाद 500 के नोट को मिली मजबूती। 2000 रुपए के नोट बंद होने के बाद 500 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा है कि फिलहाल भारत के बाजार में जितनी मुद्रा चलन में मौजूद है, इसमें 500 रुपए के नोट की हिस्सेदारी मार्च 2024 तक बढ़कर 86.5% हो गई है, जबकि एक साल पहले मार्च 2023 में 77.1% थी। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक बाजार की चलन से जब से 2000 रुपए के नोट को वापस लिया गया है, तब से 500 रुपए के नोट को मजबूती मिली है। पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने बताई अपनी प्लेइंग 11। अमेरिका और वेस्ट इंडीज की मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप 2024 2 जून से 29 जून तक खेला जाने वाला है। बांग्लादेश के खिलाफ भारत 1 जून को यानी आज अपना एकमात्र प्रैक्टिस मैच खेलेगा। आपको बता दें कि प्लेइंग 11 को लेकर रोहित शर्मा और भारतीय टीम प्रबंधन के पास बड़ी समस्या खड़ी है, लेकिन पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने अपनी प्लेइंग 11 बता दी है। स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए संजय मांजरेकर ने बताया कि विराट कोहली को ओपनिंग कराई जाए, वहीं युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया है और इसमें 2 स्पिनर्स को जगह दी गई है। वहीं विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत को रखा गया है। पूर्व क्रिकेटर्स ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को पहले और दूसरे स्थान पर रखा है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1992 में भारत और इसराइल के बीच हवाई समझौता हुआ था। आज के दिन वर्ष 2008 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ था। आज के दिन वर्ष 2010 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए बालकृष्णन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये मानवाधिकार आयोग के पहले दलित अध्यक्ष रहे। आज के दिन वर्ष 1958 में भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ियों में से एक अशोक कुमार का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1945 में चिमन सिंह यादव का जन्म हुआ था। ये महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय नौसेना के नाविक थे। CBSE 10वीं 12वीं बोर्ड के बच्चे कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए करें आवेदन। कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 31 मई से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने आवेदन शुरू हो चुके हैं। वैसे बच्चे जिन्होंने इस बार CBSE से 10वीं 12वीं की परीक्षा दी थी और उन्हें विषय में कंपार्टमेंट आया है, तो वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 जून तय की गई है। इस परीक्षा का आयोजन जुलाई महीने में होगा। हालांकि अभी परीक्षा कब से होगी इसकी तारीख तय नहीं की गई है। आवेदन करने के लिए विद्यार्थी बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जा सकते हैं। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन बाजारों में रही तेजी। शेयर बाजारों में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। 30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स 0.10% की तेजी या 75.71 अंक की बढ़त के साथ 73,961.31 पर लेवल बंद हुआ था। 1% से अधिक की तेजी टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक के शेयरों की कीमत में देखने को मिला है। इसके ठीक उलट टाटा मोटर्स के शेयरों का भाव 0.14% तक टूट गया। 2% से अधिक की गिरावट नेस्ले इंडिया के शेयरों की कीमत में देखने को मिली है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे ने प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, 1946 में तहेगा आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है टेम्पलेट, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है बंगाल। इसका सही उत्तर है बंगाल। वंदे मातरम किसने लिखा? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी है विक्रमादित्य। इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किए गए? ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है एस सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट।
जिस वृक्ष के नीचे विदुर ने ज्ञान प्राप्त किया उस बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी है महमूद गजनबी, ऑप्शन सी है गौर का राजा शशांक, ऑप्शन डी है हूनों का राजा मिहिरकुल। इसका सही उत्तर है गौर का राजा शशांक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बिहार शरीफ, ऑप्शन सी है बोधगया, ऑप्शन डी है वैशाली। इसका सही उत्तर है बिहार शरीफ। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मंटू कुमार, गुनर शर्मा, राजीव कुमार, रवि कुमार राम, एमडी साकिर हुसैन, अविनाश कुमार मल्लिक, नुन्नू गोलू कुमार, पंकज कुमार दास, विकास दास, मिस्टर बी के यादव, नंद कुमार सिंह, मुकेश कुमार, नवल किशोर, राधे कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आप 24 घंटे में कितने घंटे अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।